आज एक तो गाड़ी की चाबी बनवानी है रिमोट वाली, सेंट्रल लॉकिंग लगवानी है उसमें, ठीक है। दूसरा मेनली जो काम है ना, जिसके बिना गाड़ी बहुत ही बुरी लग रही है, मतलब रिम पे चल रही है यार, अच्छी नहीं लग रही। अलॉय व्हील तो मस्ट है, और अलॉय व्हील के बाद तो गाड़ी में जान आ जाती है। तो आज उस गाड़ी में जान फूंक दी जाएगी, और जान डलवाने के लिए हम जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल वो एक लाश है, उसके अंदर आत्मा डलवा देते हैं आज। तो आज हम करोलबाग जाएंगे अलॉय व्हील के लिए भी। अभी चलते हैं, तो फिर थोड़ा रेडी वेडी हो लो, मतलब चेंज कर लो यार, हो गए उठाओ भी। पुलिस लाइट ये वाली, दिस वन, अरे या दिस वन, तो जो मिले आगे देखते हैं इसमें। Damping for best episode. Remote वाली चाबी, अब उसका सिस्टम खत्म दिखाता हूँ। ये सेंटर लॉकिंग अब इससे खत्म, अब फाइनल इससे ही चालू हुई। बहुत फोन आते हैं यार मैं, दिस इज सो। आइटम नंबर 24, श्री राहुल गांधी जी। धीरे धीरे बाल मा, ओ हो हो, मैं क्या मन्नू फड़ा रहे हैं, मन लगा मन्नू फड़ा रहे हैं रिमोट तो सही। करोल बाग के टायर तो बहुत कॉस्टली पड़ रहे हैं भाई, अभी तो बनता नहीं है, लेकिन देख लेंगे, टायर वाले लगवाते हैं यहाँ, बाकी तो काम करवाएंगे, छोटा मोटा जो काम धीरे धीरे करवा लेंगे, गाड़ी आ गई है तो। फिलहाल टायरों से लेकिन बहुत बुरी लग रही है भाई, बिना टायरों दिख नहीं रहे रिम पे, तो भाई मज़ा ही नहीं आ रहा, स्वाद ही नहीं आ रहा। बिना नमक की रोटी लग रही है, सब्जी लग रही है। बोल बोलो तो कट जाएगा, बंद करना मैं क्या। अभी गाड़ी बैक हो रही है, और अलॉय व्हील दो चेक करवा रहे हैं, एक यहाँ पड़ा था डायमंड वाला, वो डायमंड वाला लग जाएगा। और मेरे को तो शुरू से जब गाड़ी मिली थी तब से ये पसंद है, मेरी तो फर्स्ट चॉइस यही है, ये लगवाऊंगा। बाकी मोना को, मोना इसको वो डायमंड वाला पसंद आ रहा है, तो अभी देखते हैं दोनों लगवा के, जो बेस्ट होगा जो बेटर लगेगा वो लगवा लेंगे। इसकी चॉइस भी मायने रखती है, और मेरी तो रखती है यार ऑब्वियसली। सत श्री अकाल भाई, एक ये है और एक दूसरा आगे लगेगा, दोनों चेक कर लेंगे। इससे पूरा सही में पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा ना इस डायमंड वाले अलॉय में, लेकिन ये है कि टायर घूमता रहेगा, लेकिन ये नहीं घूमेगा, ये अपनी जगह स्थिर रहेगा, ग्रेविटी डायमंड मतलब सीधे रहेगा, उसमें रोल्स रॉयस में होता है जैसे रोल्स रॉयस का आर नहीं घूमता ना डिज़ाइन लोगो। फिलहाल तो ये लग गया, आगे लग जाएगा, टायर भी बड़े हैं ना 18 इंच के, ये 18 इंच है और ये 17 इंच है, सिर्फ 1 इंच का देख लो कितना फ़र्क दिख रहा है। 22 तक मैंने जाना नहीं है, 20 तक लास्ट अगर जाऊंगा, अभी तो फिलहाल 18 लगवा रहा हूँ, उसके बाद अगर कभी फ्यूचर में अपडेट कराता हूँ तो 20 तक ही जाऊँगा बस हाईएस्ट, क्योंकि गाड़ी रफ एंड टफ पहाड़ों पे, हमें घूमने का शौक है तो घूमेंगे, तो भाई 22 के तो मज़ेदारी नहीं है, गाड़ी में मज़ेदारी ख़त्म हो जाती है। अगे वाला लग रहा है, मैं खाली लगवा के देख रहा हूँ, नहीं समझ आएगी तो नहीं लगावांगे, क्योंकि ये पुराने टायरों का रेट भी काट दे। ब्रदरी 5,000-10,000 कमाता है, कहाँ से हो देगा। ये पसंद है एक्स्ट्रा वाले 20। ये 18 इंच में तो मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं लग रहा है इतना, चलो देखते हैं ऊपर चलते हैं इससे। ये भूखे भूख लग गई इनको, मामू के चावल खा रहे हैं। पापड़ भी 18 में मज़ा ना आने के कारण फाइनली 20 इंच लगवा लिए। अभी रुक जाता है, कवर तो लगने दे भैया, मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं। हाँ अभी दोबारा बना लेंगे कवर लगा के,
वो तो देखो वो गैंगस्टर भाई आ रहे हैं नागलोई से। असला हम भी रखते हैं पहलवान। ये 18 इंच है और ये 20 है। फाइनली 20 लगवा लिए हैं और अभी कवर लग के बाकी पूरे लगा के ऑल ओवर राउंड लगा के दिखा दूंगा। ये अंदर से लाल करा लिया, लाल पूरा थैला लाल। आगे भी होगा भाई, क्रेडिट कार्ड से ठीक है भाई, पैसे कराए हैं किसी भाई से लेने थे, पैसे तो करा लिए लेकिन मेरे वहां से कट गए, मेरे यहाँ तक आए नहीं अभी तक। हार्ट हो रहा है बिग बॉस, बिग बॉस मुझे हार्ट हो रहा है, हार्ट हो रहा है मुझे। अभी टेंशन है पैसे देने, टायर लगने के बाद बेइज्जती ना हो जाए। कोई नहीं आ ही जाएंगे। ये टायर लगाया था, ये देखो ये 3 बंदे लग चुके हैं खोलने के लिए लेकिन खुल नहीं रहा किसी से, लगा तो दिया से, अब ये बिड़े पड़े हैं जो खोलने में। लेवल सबके निकलेंगे, स्टील का कहीं खुले ही ना, ऐसे लेके जाना पड़े एक टायर अलग। एलोए भी लग चुके हैं, बाकी अभी हमारे वहाँ जो टिकाना साहब वाला गुरुद्वारा ना उसके वहाँ जो ग्राउंड है वहाँ जाके मैं पूरा राउंड करके फिर आपको दिखाता हूँ उसके एलोए। फाइनली हम टायर लगवा चुके हैं, हमारे वहाँ जो टिकाना साहब गुरुद्वारा है, पारस भाई भी हमारे साथ, टिकाना साहब गुरुद्वारा उसके वहाँ सामने ग्राउंड है, वहाँ लगा के गाड़ी थोड़ी रील वील बना लेंगे और घुमा के पूरी गाड़ी घुमा के तो मैं दिखा दूँगा। वैसे मैंने यहाँ थोड़ी बनाई थी लेकिन वहाँ प्रॉपर दिखा दूँगा, और पैसे वैसे की बात कर लेंगे यार जो लगे हैं वो तुम पेटीएम वेटीएम कर देना, मतलब भाई लोग क्यूआर कोड डाल दियो मेरा, खाओ माँ कसम क्यूआर कोड डाल, ठीक है वहाँ चलते हैं। तो एलोए व्हील मैंने आपको दिखाया नहीं ना उस टाइम, अभी दिखा देता हूँ। दीदी को गाड़ी चिखाने आया हूँ मॉर्निंग, तो सुबह का टाइम है तो मैं अभी एक बार एलोए व्हील भी दिखाई दूँ आपको। तो ये लुक है हमारे एलोए व्हील का, ये लगवाया हमने सेकंड गियर बा क्लच पूरा दबा के पाई, ठीक है कोने तो ही कोने, हाँ शाबाश चल। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना खात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला है। थोड़ी रेस दे जिधरों कहाँगो उधरों स्टेयरिंग कटनी, ठीक है सीधा कर मोड़ जान दे थोड़ा सीधा मोड़ इधर सीधा कर मोड़ सीधा राइट मोड राइट राइट फिर सडन मोड राइट सीधा छोड़ दे हाँ।
ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांध धोने के लिए पानी नहीं है। तो गाड़ी सिखा के आ चुके हैं, तो व्लॉग एंड करते हैं यहीं, फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शुभरात्रि। गुड नाइट इसलिए क्योंकि मैं रात को सोया नहीं, हम पार्टी करके आए हैं, तो मेरी गुड नाइट है, इसलिए गुड नाइट, टेक केयर, शुभरात्रि। जय हिंद, जय भारत।